हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे गाजर का हलवा। हलवा बनाने के लिए गाजर को साफ पानी से धो लेंगे, टॉप को काट के निकाल देंगे। नीचे की साइड से भी थोड़ा सा काट लेंगे। गाजर को चाकू या पीलर की हेल्प से छील लेंगे। छीलने के बाद एक बार और साफ पानी से धो लेंगे। गाजर को कद्दूकस की मोटी वाली साइड से कद्दूकस कर लेंगे। गाजर जल्दी कद्दूकस हो जाएगी। ग्रेटर के ब्लेड काफ़ी शार्प होते हैं। गाजर को ध्यान से कद्दूकस करें। ये देखिए, इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर ली है। गाजर साफ पानी से धो के छील के पहले ही कद्दूकस करके रख ली थी। कद्दूकस की हुई गाजर कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में हलवे को चलाने में आसानी रहेगी। 50 ग्राम देसी घी डालेंगे। आप हलवा देसी घी के बिना भी बना सकते हैं अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं। गैस फ्लेम फुल रखेंगे। फुल फ्लेम पे गाजर को पकाएंगे। गाजर धीरे धीरे अपना पानी छोड़ेगी, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 15 मिनट हो गए हैं गाजर को पकते हुए। गाजर को मैंने फुल फ्लेम पर पकाया है। गाजर ने पानी छोड़ दिया है, बीच बीच में चला दिया था। अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम गुड़। हलवा बनाने के लिए आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने गुड़ लिया है और गुड़ की शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ मैंने चेक कर लिया है, गुड़ बिल्कुल साफ़ है। गुड़ के मैंने इस तरह से छोटे टुकड़े कर लिए हैं। गुड़ के छोटे टुकड़े आसानी से घुल जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे गुड़ को गाजर में। हलवा बनाते समय ध्यान रखें, पहले गाजर को थोड़ी देर पका लें, उसके बाद गुड़ या चीनी मिलाएं। अगर आप शुरुआत में ही गुड़ या चीनी मिला देंगे, गाजर सॉफ्ट नहीं होंगे, पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। थोड़ी देर के लिए लगातार चलाएंगे, गुड़ को मैश कर देंगे। गुड़ अच्छे से घुल गया है। गाजर को तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी जो गाजर में से निकला है अच्छे से सूख ना जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे। मैं गाजर को फुल फ्लेम पे पका रही हूँ। फुल फ्लेम पे हलवा जल्दी बन जाएगा। अगर आपको लगता है फुल फ्लेम पे हलवा जल सकता है, पकाने में परेशानी हो रही है, आप गैस फ्लेम कम कर सकते हैं। गाजर में से जो पानी निकला था वो सूख गया है। अब इसमें डालेंगे 15-20 बादाम मोटे टुकड़ों में कटे हुए, 15-20 काजू मोटे टुकड़ों में कटे हुए, 15-20 दाने किशमिश के, 250 ग्राम मावा, मावे को खोया भी बोलते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हलवे को थोड़ी देर के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गैस में मीडियम रखेंगे। मावा डालने के बाद हलवे को मैंने 5 मिनट के लिए और पकाया है लगातार चलाते हुए। हलवा बन गया है। ये देखिए, हलवे ने घी छोड़ दिया है। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। गाजर का हलवा बन गया है। अगर आपको गाजर के हलवे की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।